लेकिन बदले नहीं है ताले, बदल गई है चाबी लेकिन बदले नहीं है ताले, बदल गई है चाबी लेकिन बदले नहीं है ताले, बदल गई है चाबी लेकिन बदले नहीं है ताले। क्या मैं झूठ बोलिया भाई ना, मैं जहर गालिया भाई ना, क्या मैं झूठ बोलिया भाई ना, मैं जहर गालिया भाई ना, भाई ना, भाई ना। और एक बड़े से पत्थर को जाके ठोक दिया। अच्छा
तो आदमी गया कहा? अब बड़े से पत्थर पर ठोका तो मर गया ना। पर मारा तो आदमी गया कहा? अब मरने के बाद आदमी कहा जाता है? अरे मर गया हो। अरे महाराज, मरने के बाद आदमी जाता है सीधा ऊपर। डायरेक्ट ऊपर, सही है सही है। और मर अब एक पहाड़ पे एक आदमी ट्रक चला रहा है। आजू बाजू उसके खाई है। वो चला रहा है। हेलीकॉप्टर स्पोर्ट हो गया। तो आदमी गया कहाँ? डायरेक्ट ऊपर। हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, आसमान में स्पॉट हुआ है, तो आदमी नीचे जाएगा ना? नीचे। फिर ऊपर। सिपाही मजा गुला दो। होशियार खबरदार, सल्तनत की रानी पधार रही है। आओ रानी आओ, तुम थोड़ा दूर जाओ। कहो महारानी, यहाँ कैसे आए हो? अपने पैरों से। महारानी, हर इंसान अपने पैरों से ही आता है, कोई अपने सर के बल चल के थोड़ी आता है। पर यहाँ आने का कारण क्या है? महाराज, मुझे आपसे एक बात करनी थी। महारानी, तुम मेरी गरम पत्नी हो। तुम मेरी धर्म पत्नी हो। तुम मुझे एक बात क्या, 100 बात पूछो, 1000 बात पूछो, 1,00,000 बात पूछो, 1,00,000,000 बात पूछो। अच्छा हुआ रुका दिया, आगे की गिनती नहीं आती। अनपढ़ महाराज। हाँ महाराज, कहो ना प्यार है, कहो क्या बात है? महाराज सब तीन बाहर वाली पे गुस्सा होते हैं। मतलब महाराज बाहर वालों पे गुस्सा होते हैं। कहो महाराज क्या बात है? मतलब कई दिनों से तुम्हें तुम्हारे माताश्री और पिताश्री। अरे वो मुझे बोलने नहीं आता, माताश्री और पिताश्री। माताश्री और पिताश्री, पिताश्री। अरे तुम्हारी माँ को और पिताजी को यही बुला लेते हैं ना? लेकिन नहीं महाराज, तुम्हें जाना है। ठीक है महाराज, जाओ। हमारा क्या है, हम सह लेंगे थोड़ा। हमें छोड़ के, मुझे छोड़ के, इन्हें छोड़ के। महारानी तो चले गए, पर अब मेरा क्या होगा? महाराज आपकी कृपा के लिए महाराज। हाँ, पर महारानी गई, उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है महाराज। हाँ, आपको पता है क्या महारानी क्यों चली गई अपने मायके? अरे उसको उसके माताश्री और उसके डैडी की बहुत याद आ रही थी। नहीं महाराज, प्रधान से पूछिए क्या कारण है। महाराज, हमारे राज्य की जो व्यवस्था चल रही है, वहाँ कई सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों में झगड़ा हो रहा है, इंसानियत तो बची ही नहीं है। क्या हमारे राज्य में ये सब हो रहा है? जी महाराज। तो तुम लोग मुझे दिखाओगे? जी महाराज। महाराज आपको बताएंगे हम। तो चले जानते हैं। ये इज्जत के साथी जनाती, पूछते नहीं इंसान को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। नमस्कार नमस्कार भाइयों, हम आपके शहर के नेता। इन लोगों को अगर इनके अवकाश दिखानी है तो हमें एक साथ आना होगा, हमें मजबूती से साथ में रहना होगा, फिर इन्हें हम झट से मिटा देंगे। अरे वो क्या बताएंगे, हमें अपना अवकाश, दो दिन अपनी न्याय व्यवस्था को हटा दो, उनको हम उनके अवकाश दिखा देंगे, उनको पूरे जड़ से हटा देंगे। क्या बोला है नेताजी आपने। अच्छा, अगर हम इन सभी को जड़ से हटा देंगे तो क्या ये रोजगार की समस्या सॉल्व हो जाएगी? क्या हमारे गांव की सड़कें सही हो जाएंगे? क्या अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? और हमारे देश की जो ये शिक्षा नीति है, क्या उसमें सुधार आ पाएगी?
इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी संभल के रहना रे भाई। गलती करो ओ सर 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 जालिम का जमाना जहरी ना भाई। अरे न्यूज पेपर पढ़ रहा हूँ, उनको जरा दादा। अरे एक ही दिन तो छुट्टी का मिलता, उसको खेलू कैसे तुम्हारे साथ? नहीं पापा प्लीज मेरे साथ। अच्छा एक एक मिनट एक मिनट, ये ले, ये है भारत का नक्शा और ये पकड़। अच्छा इसे छोड़ के लेकर आ, अब पढ़ूंगा अपना न्यूज़पेपर। एक डेढ़ घंटे की तो छोड़ दिया, इतने जल्दी कैसे छोड़ लिया? पापा इस नक्शे के पीछे एक इंसान का चित्र बना था, मैंने इंसान इंसान को जोड़ा और भारत का चित्र अपने आप गिर गया। सही कहा बेटा, देखा आप लोगों ने, एक एक कई इंसान के टुकड़ों को जोड़ने से एक भारत बन गया। तो उसी तरह बेटा हमारा देश भी कई सारी विविधताओं में बटा हुआ है, अगर हम अपने देश के सभी लोगों को एक एक साथ जोड़े तो हमारा भारत अपने आप जुड़ जाएगा। मस्जिद की चादर ने बांट दिया भगवान को, धरती बाटी अंबर बाटा मत बाटो इंसान को, धरती अंबर बाटा मत बाटो इंसान को, मंदिर मस्जिद ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मंदिर है, मेरा है, ये मेरा है। अरे चुप, इंसानियत ऐसे मत बांटो मुझे। ये इंसानियत की बात तो ठीक है, लेकिन कोई हमारे धर्म पे बात करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कोई हमारे मंदिर के पे हाथ उठाएगा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह हमने इंसानियत का खून कर दिया। अरे निकिता, और इंसानियत मर गई। पर इंसानियत का खून करने में आप और मैं, हम सब जितने जिम्मेदार हैं उतना ही जिम्मेदार एक और तबका है, और वो है हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं मीडिया। मीडिया ने ही कमाल के लिए, अरे आप रुटांगली वेशीला या टिया पीछा नावा काली विकुंटा में मानुष कीला। जी जी रे जी माजा राजा तू माजा सरजा तू माजा राजा तू माजा सरजा तू। अरे वैसे तो मीडिया को, वैसे हम नहीं कहते हैं कि सारी मीडिया इसी तरह के न्यूज़ फेक न्यूज़ जो है उसे फैलाती है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार, ऐसी बहुत सारी मीडिया है जो एक सही और सच्चाई को हमारे सामने प्रदर्शित करती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारे देश में अशांति का माहौल बना रहता है। मीडिया के लोगों की वजह से, झूठी खबर फैलाने की वजह से हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है, और ऐसे ही चलता रहा तो ये टूट कर बिखर जाएगा। वाह 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 सिपाही और प्रधान, तुम लोगों ने तो मेरे आंखें खोल दी। बताया है हमारे 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 राज्य के हाल हाल हवाल के बारे में। वाह वाह वाह। और महाराज अगर हम इंसान इसी तरह एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे, एक दूसरे का गला काटते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत टुकड़ों में पड़ जाएगा। और महाराज अगर इसी तरह हम धर्म जात प्रांत भाषा के खिलाफ एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे तो हमारे देश में अशांति का माहौल फैला रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सिपाही प्रधान, किसी ने सच्ची कहा है, अगर आपके बदले आपका सौदा होता रहा तो एक दिन ये पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। बिल्कुल जी महाराज, किसी ने क्या कहा गया है, हो गई है पीर पर्वत सी बिगड़नी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, ओ कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए,
आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।